हेलो, वेलकम बैक टू सनी कनाडा। होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि मैंने कॉलेज की फ़ीस कलेक्ट कैसे करी, $16,000। तो ऑलमोस्ट $16,000 कॉलेज की फ़ीस अराउंड 15,500 समथिंग थी। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे कलेक्ट करी। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, मेरे अभी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है और तो आपको जैसे ही सब्सक्राइब करोगे तो वीडियो आपको पता चल जाएगी मेरी आ गई है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबको पता ही है मैं कब आया था, आप पुरानी वीडियो में देख सकते हो मेरी। तो मैं अभी आपको फ़ोटो दिखाता हूँ अपनी पहली, जिस दिन मैं रिज्यूमे बांटने गया था स्टोर्स में अलग अलग। तो वो शायद 2 जनवरी का डे था, मेरे को अभी तक याद है, वही हुआ। तो उसके बाद मेरे को पहली जॉब मिली थी अराउंड 27th of January को। तो मेरे को स्टार्टिंग से ही ना रेस्टोरेंट वाली जॉब में ज़्यादा आवर्स मिलते नहीं थे। तो ज़्यादा आवर्स मिलेंगे नहीं तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा कमाई नहीं होगी, ज़्यादा कमाई नहीं होगी तो सेविंग्स नहीं होगी। तो फर्स्ट मंथ तो मैंने GIC के जो 2000 थे वो मैंने खर्च लिए थे। रीज़न, रेंट देना था, लैपटॉप देना था, मिसलिनियस एक्सपेंस, तो वो 2000 मेरे लग गए थे। और मेरे को इतना पता था कि फर्स्ट मंथ तो दिक्कत होने वाली है, वो सबको ही होती है, नो डाउट। कईयों को स्टार्टिंग के 2-3 मंथ होती है, बट स्टार्टिंग में दोस्त अच्छे मिल गए, गाइडेंस अच्छी मिल गई, तो उन्होंने मेरे को बता दिया। तो जब मैं यहाँ पे आया था ना तो उस टाइम पे 1000 के आसपास स्टूडेंट्स आए थे, हाईएस्ट स्टूडेंट्स थे। तो कंपटीशन ज़्यादा था जॉब के लिए, तो एक जॉब के लिए तो 10 स्टूडेंट्स कम से कम मान सकते हो, 10 भी मैं कम ही बोल रहा हूँ, ज़्यादा ही होंगे। तो हम सारे रिज्यूमे देने के लिए जाते थे, ऑनलाइन भी अप्लाई करते थे। तो फर्स्ट जॉब मेरी वहाँ रेस्टोरेंट में लगी, तो उसके 2 हफ्ते बाद ही मेरे को कॉलेज के अंदर स्टूडेंट एम्बेसडर की जॉब मिली थी। वहाँ पे मैंने कॉलेज के अंदर ही राउंड जैन के एंड के आसपास ही मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया था, बट मेरे को नहीं पता था कि मेरे को मिल जाएगी जॉब, बट मेरे को मिल गई बाय लक। तो उसके बाद मेरे को वहाँ पे आवर्स मिलते नहीं थे इतने, क्योंकि मैं बाद में आया था, 4 हफ्ते के कभी 4 मिल गए, कभी 10 मिल गए, डिपेंड होना पड़ता था उनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही। बार बार जाके ना उनसे पूछना पड़ता था कि इस हफ्ते कोई काम है, अगले हफ्ते कोई काम है, अगर है तो बताओ अवेलेबल है अब। तो कॉलेज कॉलेज ने स्टूडेंट एम्बेसडर का जॉब्स प्रोवाइड करी थी, तो काफ़ी मिसमैनेजमेंट था इस चीज़ में। कम से कम उन्होंने 10 स्टूडेंट्स बहुत, 10 या 15 बहुत होते हैं, तो उन्होंने आराम से 20-25 से ज़्यादा ही कर लिए थे, हायर कर लिया था, जिससे कि स्टूडेंट्स को आवर्स मिलते नहीं थे, बार बार आवर्स मांगने पड़ते सबको, तो अच्छा लगता नहीं था। मेरे को भी अच्छा लगता, मैंने 1-1.5 महीने ही करी, उसके बाद छोड़ दिया, मैंने ज़्यादा मैंने करा नहीं। तो मेरे को पहले 4 महीने जैन से लेके अप्रैल GIC मैं खर्च कर लेता था, और जितना भी मेरे को जॉब से आता था वो मेरा सेव होता था, और सेविंग को ज़्यादा होती नहीं थी। मेरे को रेस्टोरेंट में आवर्स मिलते नहीं, मेरे को अभी तक याद है मेरे एक हफ्ते का $202 का चेक आया था बाई वीकली का। तो इस हिसाब से लगा लो कि कितनी इनकम होती होगी, पहले मंथ तो मेरी लगी नहीं, बाकी 3 महीने में कितनी होगी, उस हिसाब से 1000-1500 बस इतना मेरे को बच जाता था। मेन जो मेरे को बचा, जो बड़ा चंक जैसे बचा, वो था मेरे को मेरी कंस्ट्रक्शन की जॉब लगी थी। वो मेरे मेन टेक में एक लड़का आया था, तो वो अपने दोस्त के साथ पूछने के लिए गया था कंस्ट्रक्शन में, डाउनटाउन में चल रहे थे कंस्ट्रक्शन वर्क। तो हम मेरे साथ एक दोस्त था, तो हम पूछने के लिए गए थे, तो बाय लक हमें वहाँ पे मिल गई जॉब। क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि आप वर्क परमिट पे हो, काम कर लोगे? तो हमने कहा हम कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आवर्स बताओ और पे बताओ। उसने कहा आवर्स की तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, पे भी हम तुम्हें $20 के हिसाब से देंगे, हम खुश। तो हमने कहा कितने आवर्स होंगे? तो उसने कहा 15 घंटे देंगे दिन के। तो
तो हमने, मैंने और मेरे दोस्त ने सॉरी का वर्ड दोनों ने बोला, सॉरी कैन यू से अगेन. तो उसने कहा 15 आवर्स अ डे. हम खुश. तो पहले दिन हम 2 दिन गए. पहले दिन ना हमें फ्लैग दिया और साथ में साइन बोर्ड दे दिया, ये लो खड़े खड़े हो जाओ कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर. तो हमने सोचा हमारा काम यही होगा, कुछ ज़्यादा तो है नहीं, इजी वर्क है, बस हमें खड़े रहना है. तो उस दिन हमें अभी तक याद है, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हम खड़े रहे थे रोड पे. सिर्फ आधे घंटे का ब्रेक था, वो भी हमने खाया नहीं खाया, एक बराबर वाला ही दिन था. पैर पूरे ख़त्म थे पूरे 15 घंटे. तो 2 दिन तो हमने ऐसे ही करा. और फिर अब मंडे वाला दिन आया, तो ये जॉब हमारी मंडे से फ्राइडे होती थी. मंडे और ट्यूसडे, ट्यूसडे वाले दिन मेरे दोस्त ने काम छोड़ दिया. रीज़न, जो हमारा सुपरवाइज़र था उसने कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर हमें बुला लिया और उसके बाद हमें काम कराता था शवल से. स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा. तो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मैं वहाँ पर काम करता था. और रात के 11 से 1 मैं असाइनमेंट बनाता था और स्मार्ट बुक्स होती थी वो करनी होती थी. प्लस उसके बाद मेरे को सिर्फ चाहिए था बेड, मैं खाता ही नहीं था रात के टाइम, क्योंकि मेरे को नींद इतनी होती थी कुछ कहने की बात नहीं. और सुबह 5 बजे उठ के मेरे को खाना बनाता था और 7 बजे मैं काम पे होता था. तो उस टाइम स्टडीज़ का भी होता था, तो मैंने स्टार्टिंग से ही ना खींच के रखा था अपना स्टडीज़ का, ताकि मेरे को दिक्कत ना आए. और मैंने वो जॉब 1 महीना करी थी और मेरे लगभग 2500 डॉलर्स मैंने सेव करे थे एक ही मंथ के. और मेरी जॉब लगी थी 15 मई के आसपास और मैंने छोड़ दी थी 15 जून के आसपास, मैंने छोड़ दी थी 15-20 के आसपास. तो वही 1 महीने के अंदर अंदर मैंने जोड़ लिए थे. और कभी कभार ऐसा होता था जब कंस्ट्रक्शन वाला काम करता था तो मेरे रेस्टोरेंट वाले में जॉब में मेरे को सैटरडे संडे मेरे को सुबह 11 से रात के 8-9 बजे तक मिल जाती थी, बीच में 1 या 2 घंटे का ब्रेक होता था. तो ये मेरा रूटीन होता था. उस टाइम पे पैसे अच्छे कमाए थे, बट नो डाउट शरीर पूरा ख़त्म था. इतना मेरे को पता चल गया था कि ये चीज़ मैं लॉन्ग टर्म तक मैं नहीं कर सकता, मेरे को कोई और जॉब चाहिए ही चाहिए, नो डाउट. और मेरा सैम भी बहुत डिफ़िकल्ट था, स्मार्ट बुक्स करनी होती थी पर वीक मेरे को कम से कम 2-3 करनी होती थी और पर स्मार्ट बुक में मेरे को 2-2, 3-3 घंटे लग जाते थे. तो मैं एक बारी वॉशरूम गया था ऐसे ही थोड़ा टाइम पास करने के लिए. मैं का काम बहुत ज़्यादा था, शरीर पूरा टूट रहा था. तो मेरे को वॉलमार्ट की जॉब आई, ऑफ़र हुई, मेरी एप्लीकेशन सेलेक्ट हो गई थी. तो उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी टिल लगा लो जुलाई से लेकर दिसंबर तक. दिसंबर तक मेरी GIC आई थी. तो इन 6 महीनों में मैंने $1500 पर मंथ मैंने सेव करे. और ये अमाउंट कुछ होती है 9000 जो 6 मंथ के थे, प्लस मेरे $2500 जो मेरे थे मैंने मई मंथ में कंस्ट्रक्शन वाली जॉब से मैंने करे थे. पहले मेरा ये प्लान था कि मैंने ब्रेक लेनी है सितंबर से लेकर दिसंबर तक, बट मेरे फ्रेंड ने थोड़ा फोर्स वगैरह करा कि ले लेते हैं जल्दी, अब हमारे जॉब है हमारे पास तो कर लेते हैं, हमें बेनिफिट होगा, हमारे लिए अच्छा है, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा जल्दी. और हमारे पास कोऑप भी नहीं थी, प्लस कुछ जैसे जिनकी कोऑप होती है ना इस कॉलेज में, तो उनकी 4 सेमेस्टर की फ़ीस होती नहीं है. तो अब जॉब अच्छी थी, पैसे आ रहे हैं, तो हमने सोचा जल्दी ली करके ख़त्म करते हैं, क्यों इतना लंबा खींचना. जितना लंबा खींचेंगे उतना हमारे लिए हेडेक है. तो दिसंबर तक हमारे पास GIC थी, अब 4 महीने पड़े तो $1000 आराम से हमारे मेरे बच जाते थे जॉब करते करते, क्योंकि मेरे को पता है कि इतना हो जाता है. तो साथ में मैंने जो रेस्टोरेंट वाली जॉब थी वो मैंने अराउंड सितंबर तक मैंने छोड़ दी थी एंड तक. एक मिनट पीछे आ रहा तो मैं करता हूँ. हेलो मैं ओके. तो जैन से लेकर मैंने अप्रैल तक मैंने $1000 आराम से सेव कर लिए. और मैंने स्टूडेंट प्लान लिया था. अब स्टूडेंट प्लान का बेनिफिट क्या होता है, आपको फॉर्म देते हैं फिलअप करने के लिए, तो इसके अंदर आपको ना डेट्स
फॉर्म के अंदर आपसे साइन करवाते हैं, साथ में डेट्स लिखवाते हैं कि हाँ आप इस डेट पे आपने इतनी इतनी पेमेंट करनी है। इसका बेनिफिट ये होता है कि स्टूडेंट्स रिलैक्स हो जाते हैं थोड़े कि इंस्टॉलमेंट में दे देते हैं, तो स्टूडेंट को बेनिफिट ये है आराम कि वो आराम से उन्होंने पेमेंट कर देनी है, उनको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। प्लस कॉलेज को भी ये है कि उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा मतलब सरदर्दी नहीं होगी पैसे देने की। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, वो आपसे पूछते हैं कि आप इतने दे सकते हो पैसे, आप काम क्या करते हो, सारा डिटेल्स वगैरह पूछते हैं। तो ज़्यादा इतना होता नहीं है, बट ईज़िली हो जाता है, आपके पास जॉब है आप ईज़िली कर सकते हो। अक्टूबर नवंबर तक आए थे कि रूल था नहीं कि हम जैन से कि हम काम कर सकते हैं अनलिमिटेड आवर्स फर्स्ट जैन से, और ये रूल आया था 5th या 6th दिसंबर के आसपास आया था कि हम अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हैं आफ्टर 31st दिसंबर को। तो मैं लकी ये था कि जिस दिन मैं यहाँ पे लैंड हुआ तब से लेकर मतलब अभी भी मेरे कॉलेज चल ही रहे हैं, तब तक मैं फुल टाइम काम कर सकता हूँ। यही एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने पे आराम से कर दी कॉलेज की फ़ीस। बहुत सारे स्टूडेंट थे मेरे को अभी तक याद है जो कि सिर्फ 20 आवर्स ही काम कर सकते थे। कईयों की जॉब स्टार्टिंग में लगी, कईयों की जॉब स्टार्टिंग में नहीं लगी। जिनकी स्टार्टिंग में लगी उन्होंने तब भी जैसे भी तैसे करके जॉब से करके उन्होंने पे करी फीस। कई जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जॉब नहीं लगी, मेरे को अभी तक याद है बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ ही आए थे, उनकी कईयों की जॉब सितंबर एंड में जाके लगी थी, तो 8-8, 9-9 महीने बाद जाके लगी है। उन्होंने पैसे घर से मंगवाए थे, उन्होंने थर्ड सेमेस्टर की फोर्थ सेमेस्टर की फीसें ऐसे दी हैं। बहुत बहुत दिक्कत यहाँ पे है, छोटा शहर है, पैसे कम यहाँ पे खर्च होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इनकम भी बहुत ज़्यादा होगी। कईयों की बहुत ज़्यादा होती है बट सबके साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैश जॉब्स भी बहुत कम है, वेयर एज जो बड़ी सिटीज़ है, ब्रैम्पटन ले लो, कैलगरी ले लो, वैंकूवर साइड ले लो, बहुत वहाँ पे कैश जॉब्स अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 जॉब्स है जहाँ पे आपको कैश जॉब मिल सकती है। पेट्रोल पंप्स हो गए, वहाँ पे आपको कैश जॉब मिल सकती है अराउंड 10-12 डॉलर्स के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से मिल सकती है। और यहाँ पे टैक्सी है, वेट टैक्सी होगी, टिमिन्स टैक्सी के नाम से कैब्स चलती हैं, तो वहाँ से आपको कैश जॉब मिल सकती है। वहाँ पर रेशियोज़ होता है कि 40% जो ड्राइवर है उसका, 60% जो कैब ओनर है उसका, जिसमें जितनी भी इनकम होगी तो ऐसे डिवाइड हो जाएगा, प्लस जो पेट्रोल के जो पैसे होंगे वो ओनर पे करेगा, जिसकी कार होगी वो पे करेगा। तो ऐसे करके कई स्टूडेंट्स ने पे करे हैं, कई जॉब्स करते थे प्लस ये टैक्सी का काम भी करते थे, कई पेट्रोल पे लगते थे। जिनकी स्टार्टिंग में लग गई बीच में तो ऐसा था कि कैब में भी किसी को जॉब नहीं मिलती थी क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे आए हुए थे यहाँ पे, बहुत दिक्कत थी। थैंक गॉड मैं लकी था कि मेरे को जॉब मिल गई स्टार्टिंग में, जिससे कि मैंने आराम से पे कर दी। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ताकि आपको वीडियो और मिल सके। थैंक यू।